हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे प्याज की बहुत ही खस्ता कचौड़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। जिसके लिए ले लिए हैं हम प्याज, हरी धनिया, अदरक, मिर्ची, लहसुन। प्याज हम दो बड़े प्याज लिए हैं, जिसको छील कर और इसको बारीक कट कर लेंगे। आप प्याज को कट करके ही डालें। अगर चॉपर से चॉप करते हैं तब इसमें से प्याज से पानी ज़्यादा आ जाता है, जिससे इसकी स्टफिंग अच्छे से बनती नहीं है, तो इसलिए आप इसको कट करके ही डालें। अब इसी तरह प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक और हरी धनिया सबको बारीक कट कर लेंगे। इसको बारीक ही कट करें ताकि इसकी जो स्टफिंग बने तो वो कचौड़ियाँ भी इससे फटे नहीं। अब लेंगे एक पैन जिसमें कुछ सूखे मसाले जैसे धनिया पाउडर, धनिया, सौंफ, लाल मिर्च और काली मिर्च, इन सबको डालकर इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। जब ये हल्का सा भुन जाए फिर इसमें डाल देंगे हींग। इससे कचौड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसको आप ज़रूर डालें। फिर हल्का सा भूनेंगे। जब ये मसाले भून जाएं फिर इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर। इन सबको भी डालकर थोड़ा भून लेंगे। और जब ये ठंडे हो जाएं उसके बाद देख लेंगे मिक्सर जार और उसमें इसको डालकर थोड़ा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे जिसमें 4 टेबल स्पून बेसन को भून लेंगे। 2 बड़े प्याज लिए थे जिसके लिए ये 4 टेबल स्पून काफ़ी है। इसको भी भून लें। इसमें जब अच्छी खुशबू आने लगे बस हमें इतना ही भूनना है। और फ्रेंड, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आप तक पहुँचते रहें। जब ये बेसन भून जाए इसको निकाल कर इसको ठंडा होने देंगे। को भून लें ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल ना रहे। ये ठंडा हो गया। अब लेंगे एक परात जिसमें हम आटा तैयार करेंगे। तो 2 कटोरी गेहूं का आटा और 1/4 सूजी, और 1/2 चम्मच अजवाइन जिसको हाथ से क्रश करके डाल देंगे, और नमक डाल देंगे, और 4 टेबल स्पून आप घी या तेल कुछ भी ले सकते हैं, उसको डाल देंगे। इतना ही खस्ता होने के लिए काफ़ी है और इसमें तेल नहीं डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तेल हर जगह अच्छे से मिल जाए। ये ऐसे बनने लगे मतलब ये सही अच्छा है। जो मोयन देना है वो अच्छे से है इसमें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और आटा प्रिपेयर कर लेंगे। आटे को ना ही हमें बहुत मुलायम रखना है और ना ही बहुत सख्त रखना है। अब इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए पैन में लगभग 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं। जब तेल गर्म हो जाए इसमें डालेंगे जीरा, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन सबको डालकर थोड़ा सा भूनेंगे। फिर इसमें जो प्याज कट करके रखे थे उस प्याज को इसमें डाल देंगे।
इस प्याज को थोड़ी देर पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करें ताकि सब मिल जाए। उसके बाद जो ये सूखे मसाले को हम ग्राइंड करके रखे थे, 1.5 चम्मच लगभग हम उसको डाल दिए हैं। इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी जब थोड़ा सा पक जाए, इसमें जो हम बेसन भून के रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि प्याज और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें डाल देंगे नमक और जो बेसन थोड़ा सा बचा था उसे भी डाल दिए। अब इसमें डालेंगे हरी धनिया। बस आपकी स्टफिंग बनकर तैयार है। इसको अच्छे से मिलाएं बस, और गैस बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसके छोटे छोटे से बॉल बना लें ताकि हमारी कचौड़ियाँ जो हैं वो सेम साइज़ की बनकर तैयार हों, और उसमें जो स्टफिंग भरी जाए वो भी बिल्कुल सेम क्वांटिटी में हो, जिससे हमारी कचौड़ियाँ एक साइज़ की और अच्छी बनकर तैयार होंगी। आटा जो है उसको भी लें थोड़ा सा अच्छे से, इसको फिर से एक बार अच्छे से इसको गूंथ लें फिर से, ताकि कचौड़ियाँ अच्छी बनकर तैयार हों। अब इसके छोटे छोटे से लोइयाँ तोड़ेंगे, इसको कट कर लें और एक एक लोइयों को उठाकर इसको कटोरी जैसा आकार दें और उसमें बस एक लड्डू उठाकर डालें और इसको चारों तरफ से बंद कर दें। बस हाथों में थोड़ा सा थपथपाएं, बस ये बनकर तैयार है। आप इसको बेल कर भी बना सकते हैं, बट इसको हम हाथ से ही बनाए हैं। इसी तरह हम सारी कचौड़ियों को बना लेंगे। ये देखिए, अब हम दूसरी तरफ तेल गर्म करने के लिए रख दिए हैं। तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें कचौड़ियों को बिल्कुल धीमी आंच पर ही पकाना है। अगर हम तेज आंच पे पकाएंगे तो ये कचौड़ियाँ जो है वो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर कच्ची ही रह जाएंगी, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएं ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएं और खस्ता बनकर तैयार हों। ये कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। ये देखिए, इसको बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएं। देखिए ये कचौड़ियाँ कैसे फूल रही हैं। बस इनको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे, बस ये बनकर तैयार हैं। तो इन कचौड़ियों को आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए और इसको सफ़र में ले जाइए। ये बहुत ही अच्छे होते हैं सफ़र के लिए। देखिए बिल्कुल बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई थी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको एक बार बनाकर ज़रूर खाएं।